और इस बीच आपको बता दें, भारत दौरे पर आ सकते हैं यूएस के एनएसए जैक सुलिविन। 18 अप्रैल को आ सकते हैं दिल्ली। आइए पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिविन भारत दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जैक सुलिविन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पहल के तहत भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहां आएंगे। बताया जा रहा है कि जैक सुलिविन अगले सप्ताह 18 अप्रैल के आसपास नई दिल्ली में होंगे। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम और दूर संचार समेत 6 अहम मुद्दों पर बातचीत होती है। इधर जैक सुलिविन का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद वो भारत आ रहे हैं। इससे पहले फरवरी में सुलिविन का दौरा स्थगित हो गया था। बता दें कि हाल ही में जैक सुलिविन ने कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब ईरान, मिस्र, यूएई और इथियोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने के मद्देनजर दुनिया में अमेरिका के नेतृत्व में कमी और सऊदी अरब का हिस्सा बनने पर विचार करने के सवालों का जवाब दे रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे चुनाव की बड़ी खबर के साथ और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 प्लस के संकल्प की, जिसको पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार रैलियों का सिलसिला बना हुआ है। आज राजस्थान के उधमपुर, बाड़मेर और दौसा में करने वाले चुनावी रैली, और किस तरीके से ये रैली खास होगी, कैसे जनता का आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जोरदार प्रचार, मोदी की दहाड़। आरंभ प्रचंड, जीत का शंखनाद। सियासी वार, विपक्ष में खलबली। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है। 4 जून को 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार 4 जून। जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी और विपक्ष के दिग्गज भी मैदान में कूद पड़े हैं। बस अंतर ये है कि जहां पीएम मोदी और बीजेपी तूफानी प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष का इंडी गठबंधन मानो नींद में है। जमीन पर उसकी तैयारियों में ना तो मोदी जैसी तेजी है और ना ही वो पैनापन। आज पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रमों पर नजर डालें तो पीएम मोदी सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली करेंगे। यहां पीएम मोदी जितेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा होना है। दोपहर 2:15 बजे पीएम मोदी बाड़मेर में भीषण गर्मी में मेगा रैली करेंगे। यहां पीएम मोदी कैलाश चौधरी के लिए प्रचार करेंगे और जनता से उन्हें जिताने की अपील करेंगे। इसके बाद शाम 4:45 बजे दौसा में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। गांधी सर्कल से गुप्तेश्वर रोड तक ये रोड शो होगा। यहां पीएम कन्हैयालाल मीणा के पक्ष में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के रैली और रोड शो के लिए सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं। उधमपुर में सुरक्षा जबरदस्त है तो वहीं दौसा में रोड शो को लेकर कई रूट पर आवाजाही में बदलाव किए गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी अपनी रैलियों और रोड शो में विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा त्रिव जो द्वीप है, कच्चा त्रिव वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है क्या?
रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? पीएम मोदी ने लगातार विपक्ष के तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष को इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा। विपक्ष के लोकतंत्र खतरे में है, इस राग पर भी पीएम मोदी ने हाल ही में करारा जवाब दिया था। जिस राजस्थान ने, धौलपुर ने, अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। 4 जून को 400 पार का नारा बुलंद कर पीएम मोदी ने मानो जीत का शंखनाद कर दिया है और मेहनत ऐसी है कि पूछिए मत। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। अब जनता का फैसला क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल जनता के आशीर्वाद के लिए राजनीतिक दलों की जद्दोजहद जारी है, दिग्गजों का धुआंधार प्रचार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिल्मों में किसी बॉलीवुड स्टार को आपने खेतों में काम करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम ही होता है। लेकिन जब ये बॉलीवुड स्टार सियासत की पिच पर उतर जाएं, तो फिर इनको क्या क्या नहीं करना पड़ता। ऐसा ही एक वीडियो हेमा मालिनी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो गेहूं काटती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोचिए आप अपने खेत में काम कर रहे हैं, गेहूं की कटाई हो रही है और अचानक वहां हेमा मालिनी आ जाए। हाँ, सपने में नहीं, हकीकत में ड्रीम गर्ल वहां आ जाए तो कैसा लगेगा। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कैसा लगेगा जब कोई सुपरस्टार और सांसद आपके यहाँ फसल काटने आ जाए। मथुरा से 2 बार की सांसद और 3री बार मैदान में उतरी हेमा मालिनी अचानक अपने जनसंपर्क अभियान के तहत एक खेत में पहुँच गयी और गेहूं की फसल काटते हुए उनका ये वीडियो सामने आया, जो अब खूब चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। हेमा मालिनी मथुरा से हैट्रिक लगाने के लिए सियासी मैदान में पूरा जोर लगा रही हैं। मोदी योगी की जोड़ी के कामकाज के दम पर उन्हें 3री पारी का पूरा भरोसा है। 3री बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का मार्जिन आपके लिए क्या है इस बार? अपने लिए पहले से ज्यादा आपने लक्ष्य रखा है? हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं 5, 6, 7 तक जाए, 7 तक दे रहे हैं। 7 लाख। सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही देश के माहौल में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तपती धूप में गेहूं की फसल काट